सो आज हम डिस्कस करेंगे जो रेप्लिकेशन इलोंगेशन प्रोसेस है उसके बारे में। सो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक आज का किसके लिए, सो रेप्लिकेशन इलोंगेशन। जो इनिशिएशन पार्ट है रेप्लिकेशन का वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप जाके प्लीज़ देख लीजिए। क्योंकि जब आप इनिशिएशन प्रोसेस देखेंगे तब इलोंगेशन जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का वो जानने में आसानी होगी। ये है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन इलोंगेशन। सो बेसिकली यूकैरियोटिक का जो इलोंगेशन जो रेप्लिकेशन इलोंगेशन प्रोसेस है हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो हम जानेंगे लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इनिशिएशन में, फिर भी हम देखेंगे इधर लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड जिसको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। और इससे भी जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में 14 डिफरेंट नॉन पॉलीमरेज पाया गया है। 14 डिफरेंट, कितना? तो 14, उसमें से सिर्फ 15 ही हम पढ़ेंगे क्योंकि वही जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सो रेप्लिकेशन में। सो पांच ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम क्या क्या है? सो पांच ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम क्या क्या है? सो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, अभी अल्फा का काम क्या है? सो अल्फा का काम क्या है ये हम देख चुके हैं इनिशियल, फिर भी हम बता रहे हैं रिवाइज के लिए। सो अल्फा का काम क्या है? पहले तो प्राइमेज आता है, प्राइमेज जो थोड़ा सा डीएनए उसमें जो टेम्पलेट है डीएनए उसमें लगा देता है। अभी वो डीएनए टेम्पलेट आरएनए प्राइमर जो लगाता है प्राइमेज, उसके बाद नियर अबाउट 20 न्यूक्लियोटाइड्स, नियर अबाउट कितना? सो 20 न्यूक्लियोटाइड्स अल्फा जाके उसके साथ ऐड करता है। ठीक है, क्या हो गया अल्फा का काम? बीटा हम इधर नहीं पढ़ेंगे, बीटा का काम जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे, डीएनए रिपेयर मतलब डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में हम बीटा का रोल पढ़ेंगे। सो इनडायरेक्टली ये भी एक रेप्लिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर होगा गामा, गामा किस में? सो माइटोकॉन्ड्रियल जो एम्प्टी डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो डीएनए पॉलीमरेज गामा वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसमें हेल्प करता है गामा। अभी आ गया हमारा जो मेन दो हिटलर, अभी मेन दो यहाँ पर काम क्या है? डेल्टा, बेसिकली डेल्टा लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड दोनों को ही रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब दोनों में ही रेप्लिकेशन कर सकता है। पर अभी हम लेके चलते हैं जो डेल्टा है मोस्ट ऑफ द केसेस किसको? सो लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड में सिंथेसिस में कौन आ गया? डेल्टा। और जो हमारा एप्सिलॉन है वो बचा किस में? तो लीडिंग स्ट्रैंड ही बचा है, सो ये आके लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा हमारा एप्सिलॉन। जो रेप्लिकेशन फॉर्क, ये हो गया हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क, यहां पर जो सी एम जी का मतलब क्या है? सी एम जी का मतलब है सी फॉर सीरीज C45, एम फॉर MCM27 और जी फॉर जीन्स। ये एक कॉम्प्लेक्स असेंबली तैयार करता है। पहले तो एक चीज हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये हो गया रेप्लिकेशन बबल कब फॉर्म होगा? तो एस फेज में फॉर्म होगा। जो बेसिकली जो हेलिकेज एंजाइम है मतलब MCM27 का जो लोडिंग कहाँ पर हो जाता है? हमारा G1 फेज में ऑलरेडी हो जाता है। G1 फेज में लोडिंग होने के बाद इसका एक्टिवेशन कहाँ हो रहा है? तो एस फेज में, जब ये सेल साइकिल में जब एस फेज में एंटर करेगा तो इसका जो MCM27 का फॉस्फोराइलेशन होगा वो एक्टिव होगा, इसके साथ आके जीन्स और CDC45 मिलके एक CMG कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। ये जो टोटल हेलिकेज है ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के आगे निकल तोड़ेगा। तो बेसिकली ये पूरा इनिशिएशन प्रोसेस आप जाके, फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आपको मतलब समझने में आसानी होगी। सो आप जाके प्लीज चेकआउट करिए इनिशिएशन जो प्रोसेस है, फिर इजीली आपको इलोंगेशन प्रोसेस समझ जाएगा। सो CMG कॉम्प्लेक्स तोड़ के जा रहा है का हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको तोड़ के आगे जा रहा है, ये हो गया रेप्लिकेशन बबल। अभी हम इधर देखेंगे कितना,
इतना सा, इसको हम कहते हैं क्या, रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, सपोज ये हो गया हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। रेप्लिकेशन प्रॉस का जो फॉर, इसको 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम दोनों एंटी पैरेलल, क्योंकि हम जानते हैं जो डीएनए स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल है। अभी 3 प्राइम, इसमें क्या होता है, प्राइमर लगेगा, उसके बाद थोड़ा सा आके जो अल्फा है हमारा वो सिंथेसिस करेगा, फिर जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा। हाँ, प्राइमर कहाँ लगता है, 3 प्राइम एंड, सो 5 प्राइम एंड। एक चीज याद रखना होगा, जो ऑल पॉलीमरेजेस हैं, जितना सारा पॉलीमरेजेस हैं, उसको मेन क्या चाहिए, 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड अगर उसको नहीं मिलता है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता, इसलिए प्राइमर उसके बाद जो पॉल अल्फा इसको 3 प्राइम एंड प्रोवाइड करता है। 3 प्राइम एंड पाने के बाद जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है उसके साथ जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके डीएनए चेन को इलोंगेट करता है। तो 3 प्राइम एंड चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, वो भी हम देखते हैं। तो ये हो गया बेसिकली हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अभी लैगिंग स्ट्रैंड क्या, इसको हम लैगिंग है, क्यों लैगिंग स्ट्रैंड में क्या, ये 3 प्राइम है, इसमें अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड अभी हेलिकेज ने तोड़ा नहीं है, ठीक है, हेलिकेज अभी यहाँ पर है, तो इसको हम 3 प्राइम पकड़ के चलते हैं। एक प्राइमर आ गया कहाँ, यहाँ पर, सो कहाँ आएगा, 5 प्राइम 3 प्राइम। तो इसको जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो हमारा डीएनए पॉल है, उसको तो 3 प्राइम मिल गया, वो इजिली थोड़ा थोड़ा इधर सिंथेसिस कर देगा, ठीक है, ये आप समझ गए। अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये तो हेलिकेज आगे आगे जाएगा, तो जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो लाइक दिस हो गया अभी, ठीक है, क्योंकि हेलिकेज आगे गया, कुछ और बॉन्ड तोड़ा, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 प्राइम 3 प्राइम है, इसको जो कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होगा। इसमें एक दिक्कत आप देख सकते हो, ये तो आगे का हमारा सिंथेसिस हो गया, पर पीछे का क्या, क्योंकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो तो 5 प्राइम एंड जो है, इसमें तो न्यूक्लियोटाइड एड ये है 5 प्राइम एंड, ठीक है, तो ये जो 5 प्राइम एंड है इसके साथ जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो तो ऐड नहीं कर सकेगा। तो क्या हुआ, तो और एक हम प्राइमर लगा देते हैं, प्राइमर की थोड़ी कमी है, थोड़ी है हमारे पास, हमारा बहुत सारा पैसा, बहुत सारा प्राइमर है, तो उसके जो उसके साथ हम थोड़ा सा और प्राइमर जोड़ देते हैं, फिर आगे का सिंथेसिस होता है। तो ये इसको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, जो साइंटिस्ट है उसका नाम अनुसार इसको किया गया है, तो इसको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। अभी 3 प्राइम एंड में कैसे होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री, ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादा हमको पढ़ना भी नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं। शुगर हमारा, जो शुगर रेसिड्यू है CH2H, यहाँ पर OH, फिर HH, फिर यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या है हमारा जो बेस, जो नाइट्रोजन बेस है, तो हमें क्या चाहिए, ये हो गया 3 प्राइम, 3 प्राइम में OH चाहिए, ठीक है, हम पूरा बेस नहीं दिखा रहे। अभी बाहर से कौन आएगा, बाहर से आया हमारा जो न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, वो कोई भी हो सकता है, तो ये हो गया डीऑक्सीराइबो शुगर CH2 सेम, इसके पास भी OH है 3 प्राइम में, क्योंकि बाद में इसके साथ भी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है हमें, ठीक है, यहाँ हो गया H, और यहाँ है बेस, कोई भी बेस, एडिनिन गुआनिन कोई भी बेस हो सकता है। अभी मेन कौन आएगा, अभी फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, ठीक है, ये फॉस्फेट एक के बाद एक लगा रहता है चेन की तरह, जैसे रेल लाइन जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हमारा फॉस्फेट। तो 3 प्राइम OH डीएनए जो पॉलीमरेज है, तो इसमें ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और ये सुगर्स दोनों, तो बेसिकली क्या है डीऑक्सीराइबो सुगर्स, और यहाँ पर जो बेस है आगे बेस है, और यहाँ पर भी बेस है, कोई भी बेस हो सकता है एडेनिन गुआनिन कोई भी, ठीक है। अभी जो डीएनए पॉलीमरेज है उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है Mg2+ मैग्नीशियम और दूसरा है एस्पार्टेट, ये बेसिकली ये हो गया हमारा डीएनए पॉल, ठीक है।
अभी डीएनए पॉल में ये Mg2+ और एस्पार्टेट जो रेसिड्यू बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो 3'OH का H निकलते हैं, निकलने के बाद O-, ये जाके अटैक किसको करता है, तो इसको, जो अल्फा, ये हो गया अल्फा। सो अल्फा जो फॉस्फेट है, मतलब अल्फा जो फॉस्फेट, उसको जाके कौन अटैक करता है, जो हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल, इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक कहते हैं, ये अटैक करता है किसको, फॉस्फेट को। ज़्यादा हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा हमें क्या नीड भी नहीं है। तो ये जाके कहाँ अटैक करेगा, पहला जो फॉस्फेट है इसको जाके अटैक कर देगा, ठीक है। अभी इसको जाके अटैक कर दिया, तो इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसको ये जो पूरा रिएक्शन है इसमें हेल्प कौन करता है, तो Mg2+ और एस्पार्टेट, ये बहुत, ये डीएनए में छुपा हुआ रहता है और ये फैसिलिट करता है इसको जो रिएक्शन में। होने के बाद क्या होता है, जो ये तो अभी इसको, ये इसको चाहिए अल्फा फॉस्फेट, अल्फा फॉस्फेट चाहिए, तो बाकी का क्या हुआ, दो फॉस्फेट हम निकल चुके हैं, दो फॉस्फेट निकलने के बाद ये आपस में जुड़ गया और जो दो फॉस्फेट है वो निकल गया इनऑर्गेनिक। सो ये दो फॉस्फेट निकल गया और आपस में जुड़ गया, बेसिकली ये इसलिए जो पॉलीमरेज है इसको 3' एंड चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 3' एंड को फैसिलिटेट कर सकता है, कौन, Mg2+ और एस्पार्टेट जो हमारा एमिनो एसिड है। आते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर, लीडिंग स्टैंड एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सो पहले हो गया लीडिंग स्टैंड, बेसिकली क्या है, ये टेम्पलेट हो गया, इसके ऊपर चलना है किसको, पॉलीमर 3'5'। प्राइमर कहाँ आके लगेगा, सो प्राइमर आ गया यहाँ, ये हो गया हमारा प्राइमर। प्राइमर कहाँ करेगा, थोड़ा सा हमारा आरएनए सिंथेसाइज कर देगा, ठीक है। प्राइमर के बाद कौन आएगा, पाइमर के बाद आएगा पॉल अल्फा, ये क्या है, सो ये है पॉल अल्फा, कितना, नियर अबाउट 20 न्यूक्लियोटाइड्स ये ऐड करेगा, क्या, पॉल अल्फा। सो पहले कौन आया, प्राइमेज, और जो पॉल अल्फा एक कॉम्प्लेक्स की तरह आते हैं डीएनए के साथ बाइंड करने के बाद, थोड़ा सा 20 नियर अबाउट 20 न्यूक्लियोटाइड ऐड कौन कर सकता है, तो हमारा डीएनए पॉल अल्फा। उसके बाद किसका काम है, उसके बाद काम है बड़ा भाई जो है हमारा पॉल एप्साइलन, ये हो गया पॉल एप्साइलन आया और जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस चला गया। लीडिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस है। यहां पर एक टर्म आता है जब डीएनए पॉल पर, प्रोसेसिविटी, ये प्रोसेसिविटी क्या है, ये प्रोसेसिविटी का मतलब क्या है, मतलब एक बार डीएनए को हम स्ट्रैंड के साथ जब चिपका देते हैं, स्टैंड के बाद एक बार चिपकाने के बाद वो कितना दूर तक जाता है, मतलब कितना दूर तक वो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिबिलिटी। अल्फा, डीएनए अल्फा का जो प्रोसेसिबिलिटी है वो सबसे कम है, क्योंकि ये एक बार में सिर्फ 20 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है टेम्पलेट के जैसा, ठीक है। दूसरी तरफ जो पॉल एप्सिलॉन और डेल्टा, इसका प्रोसेसिबिलिटी हाई है, बैक्टीरियल का जो डीएनए उसका प्रोसेसिबिलिटी और भी हाई है। एक चीज आप आसानी से समझ लो, मिल्का सिंह को एक बार आप दौड़ने बोलते हो, वो दौड़ दिया कितना, 15 किलोमीटर आराम से वो दौड़ के, ठीक है, और नहीं दौड़ूंगा वो अपनी मर्जी से, वो छोड़ दिया। पर दूसरी तरफ क्या है, मतलब 15 एक बार में मिल्का सिंह विदाउट एनी रेस्ट 15 किलोमीटर दौड़ दिया। दूसरे पार हमारा जो इलाका का रॉकी भाई है वो क्या किया, उसको भी दौड़ने भेजे, वो आया कितना दूर दौड़ा, 100 मीटर दौड़ने के बाद बस फुस, तो वो 100 मीटर जा पाया। तो इसके अंदर किसका प्रोसेसिविटी ज्यादा है, सो मिल्का सिंह का, क्योंकि मिल्का सिंह कितना दौड़ा एक बार में 15 किलोमीटर, हमारा ये इलाका का रॉकी भाई कितना एक बार में 100 मीटर। सो प्रोसेसिविटी किसका ज्यादा है, हमारा मिल्का सिंह का। सो हायर प्रोसेसिविटी, जितना ज्यादा प्रोसेसिविटी होगा, प्रोसेसिविटी इज इक्वल टू फास्टर डीएनए सिंथेसिस, ऑब्वियसली जितना ज्यादा प्रोसेसिविटी सिंथेसिस, ठीक है। सो जितना ज्यादा प्रोसेसिविटी उस डीएनए का सिंथेसिस उतना ज्यादा,
ठीक है। अभी जो पॉल डेल्टा और एप्सिलॉन है इसका प्रोसेसिबिलिटी जो होने का कारण एक और भी है, वो है पीसीएनए। ये सिर्फ पॉल एप्सिलॉन यहाँ आपके आके नहीं चिपक सकता, उसके साथ कौन आएगा? सो पीसीएनए रहता है, ये है हमारा पीसीएनए। पीसीएनए पीसीएनए एक क्लैंप की तरह काम करता है। जब आपका शादी होगा, आप जब हिल स्टेशन में जाओगे तो आपके बच्चे आपके वाइफ के साथ जब बैठोगे आप वहाँ पर, मतलब वाइफ अगर हस्बैंड जो भी है उसके साथ जब बैठोगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी उसके साथ क्या रहता है, रोप वे है ना, तो रोप वे में एक अंगूठा जैसा रहता है, उसको लेके चलता है। तो आप समझ सकते हो वो जो रिंग जैसा फॉर्म है ना, वो रिंग जैसा कुछ भी, वो जिसको वो आपका जो पूरा फैमिली का जो वेट है बच्चा बच्चों का, वो कौन संभाल रहा है? वो रिंग के थ्रू वो टेम्पलेट में जा रहा है, ठीक है। तो उसको प्रोसेसिविटी दे रहा है कौन? वो जो रिंग रहता है। तो यहाँ पर भी पॉल एप्सिलॉन है, उसके साथ पीसीएनए रहता है। पीसीएनए को लेके कौन आता है? तो एक और है जिसका नाम है आरएफसी। ये क्लैंप लोडर है, बेसिकली क्लैंप को जाके लोड कर देता है। अभी डीएनए जो स्ट्रैंड है बेसिकली, इसको सिंगल स्ट्रैंड मतलब हेलिकेस, तो हेलिकेस का काम क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड उसको तोड़ दिया, रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो गया, सब ठीक है। पर ये जो एक बार सिंगल स्ट्रैंड हो गया तो इसको मेंटेन करने के लिए कौन आता है? आरपीए। आरपीए का काम क्या है? सो इसका जो सिंगल स्ट्रैंड है इसको मेंटेन करने क्या, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड ना बन जाए, इसको होल्ड करके रखता है आरपीए। इसको हम कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जो प्रोकैरियोट में उसको हम कहते हैं एसएसबी प्रोटीन। तो ये हो गया हमारा लीडिंग स्ट्रैंड हो गया पूरा। अभी हम देखेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में, उसमें ही हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। मतलब लैगिंग स्ट्रैंड में क्या है देखते हैं, कोई बात नहीं, आसान से समझते हैं, इतना भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो सेम 5 प्राइम एंड, इसके साथ 3 प्राइम एंड, प्राइमर आया कितना, 1 2, ठीक है। प्राइमर आने के बाद कौन ऐड किया? डीएनए प्राइमेज। फिर थोड़ा सा प्राइमेज थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, ठीक है। मेन एंजाइम आ गया, वो है हमारा पॉल डेल्टा। पॉल डेल्टा आके सिंथेसिस कर दिया इतना, ठीक है। सो पॉल डेल्टा आया और बाकी सारा सिंथेसिस कर दिया, ये है पॉल डेल्टा। सो लैगिंग स्ट्रैंड में पॉल डेल्टा आया, पॉल डेल्टा के साथ भी पीसीएनए है, पॉल डेल्टा के साथ भी आरपीसी है, तो वो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे, सिर्फ पॉल डेल्टा को, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। पॉल डेल्टा आके जो बाकी का सिंथेसिस है, ये जो फ्रैगमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। सो इसको क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम लेके इसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अभी ये तो पॉल डेल्टा इसको सिंथेसिस कर रहा है, पर ये कहां रुकेगा? 5 प्राइम एंड को, मतलब जा रहा है, सीधा जा रहा है, टकरा जाएगा किसके साथ? तो 5 प्राइम एंड के साथ जाके जो पॉल डेल्टा है वो टकरा जाएगा, ये इधर आएगा, टकरा गया। अभी टकराने के बाद क्या होगा? इसको बिल्कुल पसंद नहीं है 5 प्राइम एंड, तो ये क्या करेगा? इसको डिसोसिएट कर देगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड ये तोड़ सकता है, तोड़ने के बाद ये डिसोसिएट एक फ्लैप पोर्शन क्रिएट कर देगा, डिसोसिएट कर देगा। अभी प्राइमर को, जो प्राइमर था 5 प्राइम एंड में, उसको थोड़ा सा डिसोसिएट, अभी ये जो डिसोसिएट पार्ट है इसको फिर रिमूव करने कौन आया? सो फेन वन बेसिकली एक एंडोन्यूक्लियस है। ये फेन वन का काम क्या है? पॉल डेल्टा का काम को आगे बढ़ाना, हमारा फेन वन का काम है। सो ये आया, जो डिसोसिएट पार्ट है उसको लेके उसको मतलब रिमूव कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, बाकी ठीक है। अभी रिमूव होने के बाद, ये तो रिमूव हो गया, रिमूव होने के बाद बाकी पॉल डेल्टा आया, सिंथेसिस कॉम्प्लीट किया। सिंथेसिस करने के बाद जो मतलब ये बॉन्ड है, लास्ट में उसको एक डीएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ना होता है फ्रैगमेंट को, उसका काम क्या है? डीएनए लाइगेस। फिर लास्ट में कौन आया? डीएनए लाइगेस इंपॉर्टेंट काम कर दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म कर दिया। फॉर्म होने के बाद जो पूरा हमारा कंटिन्यूस एक डीएनए
डॉटर स्टैंड बन गया। सो डीएनए लाइगेज का जो डिटेल का रोल है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। सो डीएनए लाइगेज हो गया बेसिकली ये, और एक एंजाइम है उसका नाम है आरएनएज एच। ये किसको रिकॉग्नाइज कर सकता है? डीएनए आरएनए डुप्लेक्स, डीएनए आरएनए डुप्लेक्स को जाके रिकॉग्नाइज कर सकता है, और फेन वन के जैसा जो प्राइमर है उसको जाके ये डाइजेस्ट मतलब रिमूव करेगा। सो फेन वन में ये कहा जाता है जो फेन वन है अगर शॉर्ट सेगमेंट है न्यूक्लियोटाइड का, सो प्राइमर का और न्यूक्लियोटाइड्स, तो उसको जाके फेन वन रिमूव कर सकता है। दूसरी तरफ अगर लॉन्ग सेगमेंट हुआ, आरएनए बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, उस पार्ट में क्या होगा, आरएनए जेज आएगा और उसमें क्या करेगा जो प्राइमर है उसको जाके रिमूव कर देगा। अभी और एक चीज़ है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं, वो है जब डीएनए लाइगेज हेलिकेज है, ये रिप्लिकेशन बबल्स, ये हेलिकेज जो कॉम्प्लेक्स है सीएमजी कॉम्प्लेक्स है, ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ने के टाइम क्या होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड आगे टूटेगा ना तो डीएनए में एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, और उस स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव सुपर कॉयल ऐसे करके फॉर्म हो जाता है। क्या? तो एक पॉजिटिव सुपर कॉयल फॉर्म होता है। इस पॉजिटिव सुपर कॉइल को रिलीज करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव सुपर कॉइल का काम क्या, डीएनए रेप्लिकेशन आ रहा है उसके आगे जैसे वॉल के जैसे से, तो डीएनए रेप्लिकेशन आगे नहीं जा पाएगा। अभी क्या होगा, इसको तो रिलीज करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको रिलीज क्यों क्या करेगा, दूसरा एक एंजाइम आएगा टोफो आइसोमरेज। टोफो आइसोमरेज का टाइप है टोफो आइसोमरेज 1, टोफो आइसोमरेज 2, उसको हम डिटेल में यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाद में उसका रोग अलग से देखेंगे। सो टोफो आइसोमरेज आएगा, पॉजिटिव सुपर कॉइल को रिलीज कर देगा। बेसिकली होता क्या है, लिंकिंग नंबर हम जानते हैं ट्विस्ट नंबर इक्वल टू विद नंबर। ठीक है, अभी ये जब डीएनए बॉन्ड जो हेलिकेज जो हाइड्रोजन जब हेलिकेज आगे निकलता है तो डाउनस्ट्रीम में पॉजिटिव सुपर कॉइल तैयार होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका जो ट्विस्ट नंबर है डीएनए का वो डिक्रीज हो जाता है। जब हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो डाउनस्ट्रीम में उसका जो ट्विस्ट नंबर है वो डिक्रीज होता है। अगर ट्विस्ट नंबर डिक्रीज हुआ तो विद नंबर को इंक्रीज होना पड़ता है, क्योंकि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए विथ जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। अभी जब विथ नंबर इंक्रीज होगा तो इसमें एक पॉजिटिव सुपर कॉइल बनता है, और उसको अगर पॉजिटिव सुपर कॉइल को रिमूव नहीं करते हैं हम तो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। इसलिए और एक चीज़ है उसमें भी हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब न्यूक्लियोसोम, मतलब जब हेलिकेज आगे जाएगा सो आगे कौन आएगा, H3, H4 जो H2, H2 में न्यूक्लियोसोम आएगा उसमें जाके टकराएगा। अभी न्यूक्लियोसोम को क्या होता है, कुछ चैपेरॉन प्रोटीन होता है, वो न्यूक्लियो डॉटर स्टैंड में न्यू न्यूक्लियोसोम को अटैच करना पड़ सकता है, मतलब जो H3, H4, H2, H2B है उसको लेके आता है, और पीछे पीछे जो न्यूक्लियोसोम मतलब जो टेट्रा जो कॉम्प्लेक्स है H3, H4 का जो टेट्रामर कॉम्प्लेक्स है H2, H2 जो डाइमर उसको जाके ऐड करना चालू करता है, और ऑलरेडी G1 फेज में बहुत सारा जो हिस्टोन बन चुका है अभी उसको ऐड करने का काम, डॉटर स्टैंड को भी तो उसको ऐड करना है ना, तो वो ऐड करके जाता है। ठीक है, वो भी हम इस इधर डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको चाहते हो कि हिस्टोन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें रिप्लिकेशन के टाइम। सो थैंक यू, इफ यू लाइक द वीडियो आप शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।